नमस्कार दोस्तों, एक बार सचखंड न्यूज़ में फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं लोकसभा से हिसार से सांसद बृजेंद्र सिंह, जो चौधरी वीरेंद्र सिंह के पुत्र हैं और जिनकी माता प्रेमलता जी हल्का उचियाणा से भाजपा की प्रत्याशी हैं। तो बृजेंद्र जी, आपका सचखंड न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बृजेंद्र जी, एक बात बताओ, भारत की राजनीति को आप कितना पवित्र मानते हो? किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था का सवाल है। एक सबसे बेहतरीन तरीका जो है इस चीज़ का निर्धारण करने के लिए कि देश को कौन चलाए या प्रदेश को कौन चलाए, तो लोकतंत्र सबसे बेहतर मैं मानता हूँ है। हाँ, उसमें विकृतियाँ आ जाती हैं समय पर, हर सिस्टम में, हर व्यवस्था में आती हैं। तो आज के दिन हमारे यहाँ भी इस तरह की बहुत चीज़ें हैं, चाहे वो धन का बोलबाला हो या कुछ जगह पर बाहुबली किस्म के लोग भी आ जाते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी व्यवस्था उससे दूषित हो गई हो। हाँ, ऐसे एलिमेंट हैं ज़रूर, और पूरे सिस्टम को भी और लोगों को भी जो उनको मत देकर चुनते हैं उनको भी इसके बारे में सोचना चाहिए। तो 200 से अधिक आपराधिक मामले जिनके ऊपर दर्ज हैं, लोकसभा के अंदर सदस्य चुन के आए हैं, उनके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, सिर्फ आपराधिक मामलों की वजह से किसी को चुनाव ना लड़ने दिया जाए या उस पर आक्षेप लगा जाए, मैं उसमें उसके ज़्यादा पक्ष में नहीं हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति राजनीति में आते हैं, खासतौर पर नए व्यक्ति जो आते हैं राजनीति में, उन्हें अपनी जगह बनानी पड़ती है। तो जो स्थापित लोग हैं उनसे जब उनका टकराव होता है, तो उसमें बहुत से मैंने ऐसे उदाहरण देखे हैं जहाँ पर इस तरह के मामले जो हैं वो दर्ज हो जाते हैं। वो जेन्युइन हैं, असली हैं, नहीं हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था में इस तरह के मामले देखने में आए हैं जो दर्ज हो जाते हैं। हाँ, लेकिन जो संगीन आपराधिक मामले हैं जिनके बारे में लोगों को पता होता है, सारी जो हमारी कानून की व्यवस्था है उसके हिसाब से जो है, तो हाँ, चिंता का विषय तो है। गाँव का दौरा किया है आपने, इस दौरान आपको कौन सी समस्या ऐसी लगी जो हल्के में अभी तक नहीं हो पाई थी, या प्रेमलता जी ने जो विकास कार्य करवाए हैं तो उनके बारे में आपने अभी तक क्या देखा है हल्के के अंदर? नहीं, हल्के में कोई, मैं पहली बार तो आ नहीं रहा, मैं बचपन से आता रहा हूँ, और समस्याएं तो वही जनसाधारण की हमेशा जो होती हैं उन्हीं में सुधार होता है, उसको फिर और बेहतर करने की कोशिश होती है। चाहे पानी के मुद्दे हों या जैसे कनेक्टिविटी की, सड़कों की बातें हों, तो 5 साल में बहुत काम हुआ है। हमारे यहाँ सिविल हॉस्पिटल बन गया है, हमारे यहाँ सब डिवीज़न का दर्जा मिल गया है, सेक्रेटेरिएट बन गई है, केंद्रीय विद्यालय आ गया है, सड़कों का जाल बिछ गया है। लेकिन जैसे मैंने कहा, एक निरंतर प्रक्रिया होती है विकास की, और वो चलती रहेगी आगे भी। आज के दिन 130 करोड़ से ऊपर आबादी है देश की, और पिछले कुछ समय में आप उठा के देखेंगे तो कितनी जनता को, जिसको हम गरीबी रेखा बोलते हैं, उससे ऊपर उठाया गया है, उसका ज़रा आंकड़ा देख लीजिए, आपको बात समझ में आ जाएगी। और आज के दिन जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। तो यदि आप अभी भी ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ थे वहीं के वहीं हैं, तो मेरे पास उस पर कहने के लिए कोई जवाब नहीं है। लेकिन समस्याएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, और धीरे धीरे उनका निराकरण होगा।